खटीमा विधानसभा क्षेत्र के सीमांत सुरई वन रेंज के दूरस्थ वन क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा भारामल की समाधि स्थल के महंत बाबा हरिगिरी महाराज एवं एक अन्य की धाम में ही हत्या किए जाने की खबर मिति क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ क्षेत्र के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमले में घायल हुए सेवादार नन्ने बाबा के बयानों के अनुसार बृहस्पतिवार की देर रात लगभग 12 बजे के आसपास तीन लोगों के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले के वक्त आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज और सेवादार नन्ने बाबा के साथ दो अन्य मानसिक रोगी मौजूद थे। सभी लोग भिन्न भिन्न स्थान पर सो रहे थे, जिस दौरान सोते हुए लोगों पर ही एकाएक लाठी डंडों के द्वारा जबरदस्त हमला किया गया, जिसमें आश्रम के मुख्य महंत बाबा हरिगिरी महाराज एवं रूपाल नामक एक अन्य मानसिक रोगी योगी युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं आश्रम में रुका दूसरा मानसिक रोगी जगदीश, जो कि हमले के समय जाग चुका था, हमले की दहशत के चलते ही अपनी जान बचाने के लिए गहरे जंगल में भाग गया। वहीं आवाज़ सुनकर जाग चुके सेवादार नन्ने बाबा पर भी हमलावर द्वारा तुरंत ही हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल होकर मौके पर बेहोश हो गए और हमलावरों द्वारा उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। याद होगी सिद्ध बाबा भारामल समाधि धाम में स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था है, यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा के धाम में बहुत आस्था रखते हैं। बीती 27 दिसंबर को धाम में हुए भंडारे में मुख्यमंत्री ने स्वयं हाजिर लगाकर सेवा की थी। ऐसे में धाम में हुई यह घटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिसको सुलझाने के लिए जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। मौका है वारदात की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। वहीं घटना में घायल हुए सेवादार नन्ने बाबा को उपचार के लिए खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच में वन विभाग द्वारा लगाए कैमरा एवं ट्रैप एवं डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम की मदद से एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टि से यह लग रहा है कि लूटपाट की नीयत से यह घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक खडीमा भुवन कापड़ी ने भी इस घटना पर रोष जताते हुए कानून की व्यवस्था पर सवाल उठाए। हाँ भाई, अच्छा तो आप गाड़ी से आए थे? नहीं, पैदल गए। कितने लोग थे वो? तीन लोग। कैसे शरीर में कैसे थे? क्या मुंह में कुछ? हाँ, ये तो कुछ बांध रखा था, दो पीछे थे, पहचान नहीं आई। हाँ, आप जैसे थे, एक आपसे लंबा होगा थोड़ा। लंबा था। बाकी दो आप जैसे थे। और तुम लोग कितने जने थे वहाँ पर? हम चार लोग थे। अच्छा, चार जने। तो गुरु जी झूले सो रहे थे, हम गौशाला में सो रहे थे, पागल गौशाला सो रहा था, एक पागल भट्टी साइड में सो रहा था। अच्छा, बाबा जी कहाँ? झूले पे अपने। झूले पे? हाँ, धोने वैसे पहले उन्हें मारा आके। अच्छा, धोने पे। हाँ। बाबा जी के संग कोई और भी था? नहीं, अकेले थे वो। अकेले क्या था? डंडा ही था, डंडा ही देखा हमने तो। अच्छा, बड़ा डंडा था? हाँ, डंडा था, इतना मोटा। अच्छा, कहीं से आए थे? वहीं थे? नहीं, आए होंगे कहीं से। नहीं, जब रात में 12 बजे गाड़ी आई, पैदल कैसे आए? पैदल से कैसे आए होंगे वो, या गाड़ी के दूर खड़ी करके आए हूँ। वहाँ पैदल ही आए ना? हाँ, एक को मुँह बांधा था, एक ने मुँह बांधा था, बाकी दोनों खुला था। हाँ, दो खुला थे। कैसे थे सर उनकी? किस टाइप के ले रहे? पीछे थे, लाइट में दिखा नहीं उनको। ये ले रहे दो हैं ये। अच्छा, तुम लोग चार जने थे वहाँ बाबा जी को लगा के? हाँ, चार जने थे। जी बताना चाहूँगा, तहसील खटीमा पड़ता है, वो बारामल मंदिर है। बारामल मंदिर जो है वो जंगल के अंदर 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाने के बाद एक बिल्कुल सुनसान जगह पे बारामल मंदिर करके पड़ता है। वो वन विभाग की बारामल रेंज के अंदर पड़ता है, जिसमें पूरा रेंज है बारामल रेंज। तो वन बिल्कुल घनी जंगल कोर एरिया बोलते हैं ना बारामल रेंज। तो तराई पूर्वी के इलाके में आते हैं, जिसमें बारामल रेंज की जंगल के अंदर एक अंदर के इंटीरियर जंगल है बारामल जंगल, उसमें बारामल मंदिर करके एक है। उस बारामल मंदिर में जो निवासी बाबा है, जो हमेशा वहाँ रहते हैं, एक बारामल मंदिर का बाबा और उसके एक चेले का रात्रि को या अर्ली मॉर्निंग को हत्या हुई है
डंडों से प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि डंडों से मार के उनको हत्या की गई है, गुल्लक खुला हुआ है। और हाल ही में ये मेला भी हुआ था बारामल का, वो जो उसमें मेला होता है जिसमें बहुत बड़ा भंडारा होता है, वो हाल ही में संपन्न हुआ था, तो उसको लेके हो सकता है लोगों में गलत नज़र पड़ गया हो, तो ये भी है। अभी जो है समस्त पुलिस टीम्स वहाँ पे हमने पहुँचा दिया है वहाँ पे, जिसमें जनकैया, खटीमा, नानक मत्ता के SO के अलावा CO भी सुबह सुबह मौके पर चले गए। फॉरेंसिक्स टीम्स चली गई है, BDS चला गया है, डॉग स्क्वाड चला गया है, SOG की टीम्स रवानगी हो गई है, टेक्निकल टीम्स रवानगी हो गई है, CO के अलावा SP और SP क्राइम्स भी रवानगी हो जा रहे हैं। तो वी विल गेट ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट थोड़ा देर के बाद, क्योंकि हमें जानकारी में भी है कि वन विभाग का जो कैमरा का ट्रैप्स रहता है टाइगर के लिए, उन सब का सहारा लेंगे हम। कैमरा ट्रैप्स रहता है जगह जगह, इन्होंने भी कैमरा लगाए रखे होंगे वो सारी जगहों पे, हम कैमरास देखने के बाद तो थोड़ा बहुत कम कमेंट कर पाएंगे। अभी तक तो प्रथम दृष्टया ये ज़रूर है कि मर्डर तो है, नो डाउट मर्डर है, वो बाबा और वो एक चेला का मर्डर हुआ है, गुल्लक खुली हुई है, कुछ भी हो सकता है, अभी इस वक्त कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तीसरा आरोपी की क्या स्थिति, जो विक्टिम है उसको भी पैर में चोट लगी है, पैर और हाथों में चोट लगी है, अभी तक मैं जानकारी में आया हूँ कि सेफ एंड साउंड है, हेड इंजरी नहीं है, खटीमा में इलाज ले रहा है करके मेरी जानकारी में आया है। मुझे लगता है 3 से 4 घंटे के बाद और बेहतर तरीके से हम अपडेट दे पाएंगे। दुखद घटना है, अब धार्मिक प्रांगणों में भी ऐसी घटना होने लगी है, कहीं कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है, खटीमा में तो खासा दिन दहाड़े चोरियाँ हो जा रही हैं, अभी यहाँ बाबा जी और एक साथी की उनकी हत्या कर दी गई है, एक साथी को गंभीर रूप से घायल किया गया है, एक बेचारा जान बचा के भागा है, उससे पहले द्यूरी में जो है शाम के टाइम खुली बाजार में हत्या करके लोग चले जाते हैं, तो कहीं कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था लचर होती नज़र आ रही है, तो इसमें गंभीरता से शासन प्रशासन को कदम उठाने चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, क्यों प्रशासन अपराधियों के आगे बौना नज़र आ रहा है, इसलिए गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। थैंक यू।